हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे हैं अंडा करी। अंडा करी करने के लिए मैंने अंडे को बॉईल कर लिया हूं और इसको छील दिए हैं। और इस अंडे में आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा कट भी मैंने लगा दिया है। देख सकते हैं मेरा तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें सारे अंडे हम रख देंगे फ्राई होने के लिए। अंडे के साथ साथ आलू भी रख देते हैं ताकि आलू भी फ्राई हो जाए। इसको पलटते रहेंगे। ये देख सकते हैं मेरा गोल्डन ब्राउन कलर का हो चुका है। तो मेरा फ्राई हो चुका है। अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये देख सकते हैं मेरा फ्राई किया हुआ सारे मैंने बाहर निकाल लिया हूं। अब आगे का प्रोसेस कर लेते हैं ग्रेवी बनाने का। जो मेरा बचा हुआ तेल है हम इसी में ग्रेवी बना लेंगे। सबसे पहले 1/2 स्पून जीरा, 2 तेज पत्ता, अदरक थोड़ा सा जो हमने चॉप कर लिया है, अदरक थोड़ा पका लेते हैं, 2 चॉप किया हुआ हरा मिर्च, लहसुन, इसमें लहसुन थोड़ा ज्यादा पड़ता है इसको भी हमने चॉप कर लिया है, बारीक काट लिया हूं। अदरक लहसुन जब मेरा ब्राउन कलर का होने लगे तब हम प्याज ऐड कर देंगे। देख सकते हैं मेरा ब्राउन कलर का हो चुका है थोड़ा सा, लगभग 50% पक चुका है मेरा अदरक लहसुन। अब हम इसमें कटा हुआ प्याज ऐड कर देते हैं। 2 बिग साइज का प्याज मैंने चॉप कर लिया हूं, ये देख सकते हैं। इसको ब्राउन होने तक पका लेते हैं। दोस्तों ये रेसिपी आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों देख सकते हैं मेरा प्याज ब्राउन कलर का हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देते हैं। ये मेरा 2 टमाटर है। फ्लेम लो कर देते हैं। अब हम इसमें नमक ऐड कर देते हैं 1 स्पून, हल्दी 1/2 स्पून, धनिया 2 स्पून, लाल मिर्च 1/2 स्पून से थोड़ा ज्यादा, जीरा पाउडर 1/2 स्पून। सभी को मिक्स कर देंगे लो फ्लेम में ही। तो देख सकते हैं मेरा सारे मसाला मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें आलू ऐड कर देते हैं जो हमने फ्राई किया था, उसको हमने क्रश कर लिया है। आलू को सही से तोड़ देंगे इसी में और बढ़िया से मिक्स करेंगे इसको मसाला के साथ ताकि मेरा ग्रेवी अच्छा बन सके। और आलू को मैंने पहले फ्राई कर लिया हूं, इससे इसका टेस्ट काफी बढ़िया हो जाता है।
आलू को बिल्कुल सही से क्रश कर देना है। ये देख सकते हैं मेरा आलू सही से टूट चुका है अब, और मसाला भी फ्राई हो चुके हैं। ये देख सकते हैं ये मसाला बिल्कुल मेरा तैयार है। अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। जब इसमें उबाल आ जाए उसके बाद हम इसमें अंडा डाल देंगे। देख सकते हैं ग्रेवी में उबाल आ चुका है, अब हम इसमें अंडा डाल देते हैं। अब इसे 2 से 3 मिनट और पका लेते हैं, उसके बाद मेरा अंडा करी बिल्कुल तैयार है। अब इसमें हम गरम मसाला डाल देते हैं 1/4 स्पून। इसे सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा अंडा करी बिल्कुल तैयार है। आखिरी में इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड कर देते हैं। गैस को बंद कर देते हैं। अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये देख सकते हैं कितना बढ़िया मेरा अंडा करी तैयार हुआ है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।